લોકસભાની સામે ચૂંટણી જાહેર થતા દેશમાં લોકસભાની ચૂંટણીનો માહોલ જામ્યો છે. ઇન્ડિયા ગઠબંધન અને એનડીએ વચ્ચે સીધી ટક્કર જોવા મળી રહી છે. વલસાડ લોકસભા બેઠક ઉપર ઇન્ડિયા ગઠબંધનના ઉમેદવાર તરીકે અનંત પટેલની ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતરવામાં આવ્યા છે. ત્યારે આજે અનંત પટેલની જંગી બહુમતી સાથે જીતાડવા માટે કોંગ્રેસના સ્ટાર પ્રચારક પ્રિયંકા ગાંધી ધરમપુરમાં આવ્યા છે. હેલિકોપ્ટર ખામી સર્જાતા તેઓ સુરત એરપોર્ટ પર આવી પહોંચ્યા હતા, જ્યાંથી તેઓ બાય રોડ ધરમપુરમાં આવ્યા હતા. હાલ પ્રિયંકા ગાંધી જનતાને સંબોધન કરી રહ્યા છે. કોંગ્રેસના પ્રચાર માટે પ્રિયંકા ગાંધી સુરતના પ્રવાસે આવ્યા છે. પ્રિયંકા ગાંધી કોંગ્રેસના વલસાડ બેઠક પરના ઉમેદવાર અનંત પટેલના પ્રચાર માટે આદિવાસી વિસ્તાર ધરમપુરમાં જાહેર સભાને સંબોધન કરી ભાજપ અને નરેન્દ્ર મોદી ઉપર પ્રહાર કર્યા હતા અને કહ્યું હતું કે મોદી સરકાર તમારા અધિકારો છીનવે છે અને વિપક્ષને તોડે છે. કોંગ્રેસના તમામ ખાતા બંધ કરાવી દીધા છે, બે મુખ્યમંત્રીને જેલમાં નાખી દીધા. આ ભાજપ સરકાર પાસે અપાર ધન છે જેનો ઉપયોગ વિપક્ષને તોડવામાં કરે છે. ही नहीं बस यही करते रहे, बड़े बड़े इवेंट, बड़ी बड़ी महलों में जाके किसी राष्ट्रपति से मिलना, कहीं दुनिया भर में कहीं घूमना, यही करते रहे. अब टाइम आ गया है रिपोर्ट कार्ड का, टाइम आ गया है. 5 सालों से तो आप कुछ भी करते रहे, आपसे किसी ने पूछा नहीं. अब जनता पूछ रही है, अब जनता कह रही है कि भाई बताओ क्या किया, तो अब घबराहट हो रही है. अब बहकी बहकी बातें, वही हिंदू मुसलमान, वही इधर उधर की बातें, वही विश्व गुरु, वही दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं मोदी जी. अरे क्या लेना देना आपको कि कितने बड़े नेता हैं? अगर इतने बड़े नेता आपको पानी नहीं दिलवा सकते, आपका घर नहीं बनवा सकते, आपको रोजगार नहीं दिलवा सकते, तो हमें क्या माफी मांगनी चाहिए इनसे कि हमने रोजगार की बात उठा ली, कि हमने महंगाई की बात उठा ली, कि हम लड़ रहे हैं आपके हकों के लिए, कि हम कह रहे हैं कि इस देश को हम खत्म नहीं करने देंगे तुम्हें. माफी मांगे, ये आपसे मांगे. हर बार मंच पे आए माफी मंगवाओ कि हमारे सामने खड़े होकर आपने ऐसी उल्टी सुलटी बातें, आपने ऐसी हल्की बातें कैसे कर डाली. आप माफी मंगवाओ, पूछो इनसे. कोई जिम्मेदारी नहीं होती प्रधानमंत्री की देश के प्रति, कोई जिम्मेदारी नहीं होती जनता के प्रति कि जनता के सामने मंच पे खड़े हो, सच बोलो. यही जिम्मेदारी होती है, ये दिल में लेके ये जिम्मेदारी उठाते हैं प्रधानमंत्री. પ્રિયંકા ગાંધી અદાણી અને અંબાણી ઉપર પણ આક્ષેપો કરતા કહ્યું કે મોદીજી મોટી મોટી વાતો કરે છે પણ દેશના ગરીબ વ્યક્તિ માટે સરકાર પાસે કંઈ નથી. જે સરકાર પાસે છે એ અદાણી અંબાણી જેવા કરોડપતિઓ માટે છે. તમે આ વધુ વિચારી જોજો, તમારા પૂર્વજોએ સ્વતંત્રતા માટે જીવ આપ્યા છે પણ હાલની સરકાર તમારા માટે કંઈ નથી કરતી. એક જમાને મે જબ હમ લોગો કી સરકાર હોતી થી તો મીડિયા હર રોજ હમસે સવાલ ઉઠાતી થી, हर रोज कहती थी कि भाई सरकार ये गलत कर रही है, वो गलत कर रही है. और ये अच्छा होता है लोकतंत्र के लिए, किसी ने उन्हें टोका नहीं, किसी ने उन्हें जेल में नहीं डाला, किसी ने उन्हें उनका मुंह बंद नहीं किया, किसी ने उन्हें खरीदने की कोशिश नहीं की. लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, पूरी मीडिया बिकी हुई है, पूरी मीडिया कुछ बड़े बड़े खरबपतियों की है. आपको सच्चाई दिखती नहीं है, तो आपको कौन सी सच्चाई दिख रही है? दो अलग सच्चाइयां हैं. एक तो आपको दिख रहा है कि जो टीवी पे दिखता है कि बड़े बड़े काम हो रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और सब चमकीला सुंदर दिखता है. कभी G20 की बात होती है, कभी किसी और चीज की बात होती है. जब भी मोदी जी दिखते हैं अकेले मंच पर, उनसे ये आपको पता चलता है कि कितने एक इंसान की कितनी सत्ता है, कितने बड़े नेता बन गए, यही बताया जाता है. दूसरी तरफ आपका जीवन, दूसरी तरफ आपके संघर्ष, दूसरी तरफ आप दुकान जाते हैं, मेरी बहनें जाती हैं, कुछ खरीद नहीं पा रही हैं, सब परिवार में सब काम कर रहे हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, कहीं ना कहीं से नौकरी तो मिल नहीं रही है, जुगाड़ करके कहीं ना कहीं से कमाई कर लेते हैं, मजदूरी कर लेते हैं, फिर भी पूरा नहीं होता. बेरोजगारी चरम पे है, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हमारे देश में.
और टीवी में आपको क्या दिखता है? सब सुंदर, सब चमकीला। आज सबसे आसान हो गया है आदिवासियों की जमीन छीननी, जंगल छीनने, नदी से जो नदी के साथ में लगी हुई जमीन है उसको छीनना। हिंसा हो गई है बहुत आपके समाज के साथ, बच्चियों की तस्करी होती है, आपका उत्पीड़न होता है, कोई कुछ नहीं कहता। जगह जगह जहां इनकी सरकारें हैं, अत्याचार होते हैं आप पे, आप देखते होंगे, हमने भी देखे वीडियो पे, कभी कभी निकल आते हैं। किसी ने कुछ किया नहीं इसको रोकने के लिए, कोई आपका साथ नहीं देता, आपकी सुनवाई नहीं करता। तो ये आज पूरे भारत में आदिवासी समाज के साथ हो रहा है। आदिवासी समाज लड़ रहा है अपने अधिकारों के लिए, अपने प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ। प्रियंका गांधी ए मोदी ना गरीबों ने फ्री मा राशन आपवाना निवेदन ने लई कह्यु हतु के हूँ गारंटी मारी ने कहूँ छू के जो तमने फरी मोदी सरकार ने लई आवशो तो आगामी 5 वर्ष पर तमारा जीवन मा कई बदलाव नहीं आवे, कोई तरक्की नहीं थाय, तबे ज्यां छो त्यां ज रहसो, 5 किलो राशन कोई रोजगार नहीं होय, मोंगवारी वसे, केम के आज सच्चाई छे। भाजपा के कई नेता, कई मंत्री, कई जो चुनाव के उम्मीदवार है, जगह जगह में जाकर कह रहे हैं कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। देखा है आपने, सुना है, टीवी पे देखा। अच्छा, वो सब कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। मोदी जी जब मंच पे आते हैं तो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप इनका इतिहास देखो और देखो कि किस तरह से ये लोग पिछले 10 सालों से किस तरह से इन्होंने इस देश में अपना राज चलाया है, तो जो करने जा रहे हैं वो बात हमेशा वो अपने छोटे नेताओं से, मंत्रियों से कहीं कहीं बुलवा देते हैं और सबसे पहले शुरू में उस बात को नकारते हैं। तो शुरू में क्या कहते हैं कि चलो एक उम्मीदवार से कहलवा दिया, एक मंत्री से कहलवा दिया, किसी और से कहलवा दिया और हम मना करेंगे कि भाई हम ऐसा नहीं करने जाएंगे। जैसे ही सत्ता फिर वापस आती है तो वही चीज करते हैं जिसको इन्होंने नकारा था। तो ये इनका एक पुराना सिलसिला, एक पुराना तरीका है। आज हमने देखा कि कितनी खतरनाक चीज कह रहे हैं कि इनके लोग कह रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे। इस संविधान ने ही आपको अधिकार दिया तो इसको बदलने का क्या मतलब है? इसको बदलने का एक ही मतलब है बहनों और भाइयों, कि ये लोकतंत्र को और भी दुर्बल बनाना चाहते हैं, कि इस देश की जनता को दुर्बल बनाना चाहते हैं। 10 सालों में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारा लोकतंत्र, जिससे आपके अधिकार, चाहे आदिवासियों के अधिकार हों, चाहे दलितों के अधिकार हों, चाहे किसी आम जनता के अधिकार हों, उनको मजबूत करने का काम नहीं किया है, सिर्फ उनको कमजोर करने का काम किया है। और जितने भी ऐसे संस्थान हैं जो लोकतंत्र को बचाते हैं, जो आपको बचाते हैं, आपके अधिकारों को बचाते हैं, उनको कमजोर किया है। मोदी सरकार अब की बार 400 पार संविधान बदलवानी बात करी रिया छे, पण काम नी एक पण बात नथी करी रिया। रोजगारी नी क्या बात नथी करता, मोंगवारी नी बातो नथी करता, शिक्षण नी बात नथी करता, 70 वर्ष मा कई नथी करियो एमज कह्या करे। पूछो तेओ ने आईआईटी केटली तमे बनावी छे, एम्स केटली बनावी छे, शाळाओ केटली बनावी, केटला लोको ने गरीबी रेखा थी ऊपर लई आव्या, क्यारे नहीं कहसे, केम के कई कहवा माटे छेज नहीं, बस खाली मोटा मोटा इवेंट करिया राखे छे, 5 वर्ष सुधी कई नथी करियो, एटले हवे जनता पूछी रही छे के बताओ तमे शू करियो, तो गभराई रिया छे, एटले फरी हिंदू मुसलमान विश्व गुरु दुनिया ना 100 थी मोटा नेता छे मोदी, एवुज कही रिया छे। कौशिक पटेल, रिपोर्ट, हिंद टीवी न्यूज, सूरत।